अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। आपको याद होगा 2012 की वो सियासत का दौर जब उत्तर प्रदेश की सियासत में उम्मीदों की साइकिल चल रही थी। साइकिल का बोल बाला था और साइकिल को लेकर हर कोई सकारात्मक था और यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने जब उम्मीदों की साइकिल चलाई तो 2012 में हर किसी ने साइकिल पर मोहर लगाई और मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। उसके बाद 2017 तक साइकिल का दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, लेकिन 2017 में बीजेपी ने साइकिल को पंचर कर दिया और बीजेपी सियासत में काबिज हो गई। लेकिन बीजेपी सियासत में काबिज जैसे ही हुई उसके बाद साइकिल ने कमल के फूल को निशाना बनाना शुरू कर दिया और अखिलेश यादव तब से सियासत में सक्रिय है और अब अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। एक तो चुनाव का मौसम है, दूसरा झांसी में जो पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर हुआ उसके बाद तो अखिलेश यादव काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश की मौजूदा सरकार, उसकी कार्यप्रणाली और पुलिस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर उम्मीदों वाली वही साइकिल जो 2012 में चलाई थी उसको चलाने का ऐलान किया है और उसके लिए उन्होंने जगह भी मुकर्रर कर दी है और तारीख भी मुकर्रर कर दी है। तारीख के साथ साथ महीना भी बता दिया है कि कौन से महीने से वो साइकिल को लेकर सड़कों पर निकलेंगे और प्रदेश में आवाम से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने उम्मीदों की साइकिल को इस बार नाम दिया है इंसाफ की साइकिल, जन इंसाफ की साइकिल, और साइकिल पर बैठकर वो लोगों के पास जाएंगे, जनजन तक संपर्क करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो साइकिल से दूर हो रहे हैं और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि लोग क्यों 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल के बटन को दबाएं और सरकार बनाएं। अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी ने जब से सरकार संभाली है प्रदेश में तब से प्रदेश में अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति को ठोकोनीत करार दिया, रामराज को नाथुराम राज करार दिया और साथ ही साथ तमाम संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं वो हालात कई इशारे कर रहे हैं और बताते हैं कि सरकार हालातों को काबू करने में फेल साबित हो रही है। अखिलेश यादव जो साइकिल यात्रा शुरू करने वाले हैं उसकी शुरुआत के लिए उन्होंने ललितपुर को चुना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से वो उपचुनाव के नतीजे आने के बाद उम्मीदों की साइकिल लेकर निकलेंगे और इस साइकिल यात्रा के जरिए वो लोगों तक संपर्क साध कर लोगों को मौजूदा सरकार की कमियां गिनवाएंगे। साथ ही जो न्याय व्यवस्था है जो लचर हुई है, कानून व्यवस्था जो खराब हुई है प्रदेश की, उसको लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि कैसे उनकी सरकार जब थी तो प्रदेश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर थी। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उपचुनाव का नतीजा जैसे ही आएगा, नतीजा चाहे जो भी रहे, लेकिन वो साइकिल यात्रा को शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर से जहां से वो निकलेंगे और फिर प्रदेश के हर गांव, शहर, कस्बे में जाकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए खुद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल यात्रा के स्वागत और साइकिल यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। खासकर ललितपुर में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि उपचुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उपचुनाव के नतीजे जैसे ही आएंगे उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि वो साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो ललितपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ कहना था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है, यानी कि अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही लिया है और सही वक्त पर लिया है। आने वाले वक्त में इसका असर भी देखने को मिलेगा और जरूरत भी है कि जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए हैं, जिनकी सक्रियता कम हो गई है, साइकिल यात्रा के जरिए उनमें जोश भी बढ़ जाएगा और उन कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन भी दे दी जाएगी कि किस तरीके से उन्हें काम करना है और उन कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगे अखिलेश यादव। इसलिए साइकिल यात्रा का फैसला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है वो सही लिया है, उसका असर 2022 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों पर हैं, अखिलेश यादव भी जोश में दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद विपक्ष को तो बोलना ही बोलना है। विपक्ष मतलब कि अभी जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, बीजेपी ने भी यहां पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव कितनी भी साइकिल यात्रा निकाल लें लेकिन उनकी साइकिल यात्रा का कोई असर होता नहीं दिखाई देगा क्योंकि प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उससे लोग खुश हैं और लोगों को लगता है कि इससे बेहतर सरकार कोई थी ही नहीं और आने वाले वक्त में भी ऐसी सरकार नहीं मिलेगी, इसलिए लोगों का मन बीजेपी की तरफ है,
और 2022 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं का सबका दावा है। अब अखिलेश यादव का दावा है कि वो साइकिल यात्रा लेकर निकलेंगे तो 2012 में जैसा उन्होंने माहौल बनाया था ठीक वैसा ही माहौल बना देंगे प्रदेश में, और उसके बाद प्रदेश की आवाम उन्हें ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। किसके दावे हकीकत में तब्दील होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमें बताइए कमेंट में, कमेंट करके कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी। अगर हम कोई सुधार कर सकते हैं तो वो भी हमें बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना